वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको। कायद आज़म ट्रॉफी 2019 इस वक्त गेम जारी है सेंट्रल और सदर्न पंजाब की टीमों के दरमियान, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वन ऑफ द स्टार जो कि इस वक्त इस कायद आज़म ट्रॉफी के ओपनर मैच में डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं 242 पे, समी असलम। वेल डन, वेल प्लेड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो शुरू करेंगे, जिस वक्त आप बैटिंग कर रहे थे तो दूसरे एंड पे बड़ा मुश्किल था, विकटें गिर रही थी, तो उस प्रेशर को बड़ा ज़बरदस्त अब्जॉर्ब किया आपने। जी बिल्कुल, सुबह अच्छी पार्टनरशिप लगी, पहले कल अदनान अकमल के साथ जल्दी आउट हुआ हो गए, और उसके बाद आमिर यामीन के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद कोई पार्टनरशिप नहीं लग सकी। तो यही था कि मैंने एंड तक खेलना है, और जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी चौका मारने की या जो भी रन्स करने की, वो मैं अवेल कर रहा था साथ साथ कि अगर आउट भी होते हैं हम मैक्सिमम स्कोर पर जा सकें। सही। और दूसरी जानब जो चूँकि लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो पूरी दुनिया ने आपकी बैटिंग देखी, तो वो जो कुछ कैमरों का या इस तरह का जो प्रेशर है, ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके, तो इस ब्यूटी को किस तरह से आप रैंक करेंगे कहाँ पे जो इस वक्त लाइव स्ट्रीम चल रही है? जी बिल्कुल, एक तो बड़ा ज़बरदस्त ये हुआ इस दफ़ा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस भी लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो मतलब सारे लोग देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के 4-day मैच स्पेशली, T20 वगैरह तो पहले होते थे, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और आज क्राउड भी मेरे ख्याल से अब आना शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, जिस तरह PCB ने ये किया, और कज़ाफ़ी में खेलना वैसे ही स्पेशल है, तो बड़ा मज़ा आया, और स्पेशल दिन था, डबल सेंचुरी स्कोर किया। थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा कि 8 रन और हो जाते 242 पे, अदर एंड पे जो है वो ऑल टीम आउट हो गई, तो इसको जो प्लान था कोच और कैप्टन ने दिया, क्या आपने लेकर चलना है? 300 तक प्लान था? बिल्कुल, अभी तक तो यही प्लान था कि मैक्सिमम स्कोर करना है, और जिधर भी मुझे बाउंड्री वगैरह मेरी थी, मुश्किल हो जाता है एंड पे, दूसरी टीम डिफेंसिव फील्ड रख लेती है, मतलब 4 वगैरह के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, तो कोशिश यही थी, और उसमें अच्छा चल रहा था, हर ओवर में एक आधी बाउंड्री हर 2 ओवर बाद आ रही थी, और अच्छा चाह रहा था। बैटिंग में यही है, बंदा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करे, अगर मैं 250 करता सोचता 300 करना, तो प्रोग्राम तो था कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। तो सही, एक अच्छी चीज़ जो इसमें नज़र आई कि समी असलम काफ़ी फिट नज़र आए, कि 1.5 दिन तक बारी की, कल मौसम भी काफ़ी गर्म था, और इतना डबल टर्न करना, तो फिटनेस लेवल भी आपका माशाल्लाह 100% रहा। जी बिल्कुल, फ़िटनेस लेवल हमेशा से अच्छा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी फ़िटनेस टेस्ट में फ़ेल हुआ हूँ या कुछ भी ऐसा जो थोड़ा सा चलती हैं न्यूज़ वगैरह में, तो मेरे ख्याल से मीडिया वाले पूछ भी सकते हैं कि कभी मेरा ये नहीं हुआ कि मैं फ़िटनेस, और उसके अलावा बैटिंग की है 1.5 दिन तो फिटनेस थी, तो मेरे ख्याल से इस गर्मी में किया, कॉन्सेंट्रेशन लेवल लूज़ करता, रैश शॉट मार के आउट होता या कुछ इस तरह, तो मेरे ख्याल से फ़िटनेस लेवल अच्छा है। मैंने और भी मेहनत किया, काफ़ी मेहनत किया इस सीज़न से पहले, पिछले 3-4 महीने में मैंने और ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तो इंशाल्लाह यही है अच्छे से अच्छा मैं परफॉर्म करूँ, और हर एक की यही कोशिश होती है, दोबारा से मैं अच्छा खेल रहा था इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो दोबारा मुझे चांस मिले और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। सही। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि बैटिंग तो आपने की, तो बॉलर्स की जानिब से जो एफर्ट थी वो पिच की वजह से हुआ या थोड़ा सा मौसम भी ऐसा था कि कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत हुई? जी बिल्कुल, फास्ट बॉलर के लिए स्पेशली काफ़ी हार्ड था, काफ़ी गर्मी थी कल, बड़े अच्छे बॉलिंग स्पेल्स भी किए अंदर, कल वकास मकसूद ने, आज हसन अली ने, तो एफर्ट तो उन्होंने काफ़ी की। कोकाबुरा बॉल पे स्पेशली यही होता है, पिछले तो डोमेस्टिक सीज़न में ड्यूक वगैरह होता है, इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हेल्प काफ़ी मिलती है, तो मेरे ख्याल से कोकाबुरा बॉल सेम टेस्ट लेवल पे था, इसी तरह ही होता है कि आपको जान ज़्यादा मारनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल से अच्छी, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने इस वेदर के लिहाज से, काफ़ी हार्ड था। चले गुड लक कहते हैं, अभी मैच बाकी है, और इसी तरह से बैटिंग को इन्जॉय करते रहिए, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी अपनी जो स्किल्स हैं वो दिखाते रहिए। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच।